हम भी अगर समाज की बात करते तो सड़कों पर रहते तो अकेले क्या संभव, इसका हम परिणाम तक पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको सदन में मजबूती चाहिए, तो सदन में मजबूती करने के लिए जब तक हम दोनों एक नहीं होंगे तो हम दोनों का मनसा पूरा नहीं होगा। मुकेश सहनी के साथ मांस बात का बात करेंगे। समय समय पर सब कुछ खाया जाता है, मकर संक्रांति के समय दही चूड़ा खा लिया लोग, अब तो जिनको मांस भात पसंद है मांस भात भी खा रहे हैं। अरे भाई किसी के बपौती थोड़े है, सम्मान देगा उसी के साथ न रहेगा, ये थोड़ी एग्रीमेंट हो गया था कि आरजेडी के साथ चला गया तो आरजेडी के साथ ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इसी घमंड से तो आज तक चूर था कि भुयार वोट मतलब सवर्ण वोट मेरा बपौती है, सवर्ण वोट पर मेरा कब्जा है। तो आपने सवर्णों के लिए आज तक क्या किया, सवर्ण समाज भी तो देख रही है ना, चुनाव जीतवाना है, वहाँ समीकरण सेट हो गया, चुनाव हम लोग जीतेंगे, सवर्ण प्लस सहनी जीतेगा कुढ़नी, जीतेगा कुढ़नी, हाँ बिल्कुल तय है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सवर सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, कभी आप राजद में कभी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में, क्या माजरा है? माजरा कुछ नहीं है, आपका देखने का नजरिया गलत है। हमने आरजेडी का हम आरजेडी का पे किस पद पे थे, मकामा में आप आरजेडी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, जो जिसकी बात कर, जो हम तो पहले भी बोलते थे आपके चैनल पे, जो हमारी बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा। मुकेश सहनी से दोस्ती कैसे होगी, मुकेश सहनी को लेकर के लगातार आप लोग विरोधी रहे हैं और अब देखिए उन्होंने भूमियार को कुंडी में टिकट दिया है तो आप लोग इधर आ गए हैं। आज तक तो हमने कभी विरोध नहीं किया है, ये भी अपनी समाज की बात करते तो अपने समाज की मजबूती की बात करते थे, हमारी भी संगठन थी और आज भी संगठन में है तो हम भी अपनी समाज की मजबूती की बात करते थे, लेकिन अब दोनों तो अकेले संभव नहीं था। हम भी अगर समाज की बात करते तो सड़कों पर रहते तो अकेले क्या संभव, इसका हम परिणाम तक पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको सदन में मजबूती चाहिए, तो सदन में मजबूती करने के लिए जब तक हम दोनों एक नहीं होंगे तो हम दोनों का मनसा पूरा नहीं होगा। तो वो एक सामाजिक संगठन था और एक राजनीतिक पार्टी में आए हैं, तो हमने राजनीतिक पार्टी का पहला कदम रखा है और पार्टी ने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे ईमानदारी पूर्वक और पार्टी को मजबूती देंगे। राजद के साथ आपका समाज दही चूड़ा की बात कर रहा था, लेकिन अब मुकेश सहनी के साथ मांस भात का बात करेंगे। समय समय पर सब कुछ खाया जाता है, मकर संक्रांति के समय दही चूड़ा खा लिया लोग, अब तो जिनको मांस भात पसंद है वो मांस भात भी खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, समय समय पर हर चीज़ जो मेनू बदलना चाहिए मेनू। तब राजद के साथ अब भूमिया समीकरण नहीं बैठेगा, ए टू जेड का झटका लगेगा तब तेजस्वी को। अरे भाई किसी के बपौती थोड़े है, सम्मान देगा उसी के साथ न रहेगा, ये थोड़ी एग्रीमेंट हो गया था कि आरजेडी के साथ चला गया तो आरजेडी के साथ ही रहेगा, ये थोड़ी एग्रीमेंट हो गया था। भारतीय जनता पार्टी इसी घमंड से तो आज तक चूर था कि भुयार वोट मतलब सवर्ण वोट मेरा बपौती है, सवर्ण वोट पर मेरा कब्जा है। तो आपने सवर्णों के लिए आज तक क्या किया, सवर्ण समाज भी तो देख रही है ना, आपने बोछा हारे मोकामा हारा तो ये कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी है, ऐसी बात नहीं है विशाल जी, नाराजगी है और इस नाराजगी का परिणाम है कुछ चुनाव हार रहे हैं। अब जिस पार्टी के फिर आए हैं मुकेश सहनी की पार्टी में, भाजपा लगातार हमलावर है, कह रहे कि नीतीश कुमार की बेटी है मुकेश सहनी, तो हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी सन ऑफ मलानी तो कह दिया ना कि हम किसी का भी टीम नहीं है, हम भाजपा की ये टीम हो जाते हैं, हमारे सारे मुद्दे पर भाजपा मान जाए, हमारी सारी मांगे की पूरी करते, हमें टीम बन जाएंगे, बी टीम कहाँ रहेंगे। अरे भाजपा को आप बात के क्या तरह जीत रहे भाई, जो खुद अपने अंदर कितने बी टीम पाल के रखे हुए हैं और इनको कह रहे हैं बी टीम, ये तो कह रहे हैं हम ये टीम बनेंगे और बी टीम की बात ही खत्म हो गई। तो कुढ़नी में भूमिहार के लिए टिकट मिला है तो अब मुकेश सहनी के लिए पूरा वोट मांगना है, बिल्कुल मांगना है, चुनाव जीतवाना है, वहाँ समीकरण सेट हो गया है, चुनाव हम लोग जीतेंगे, सवर्ण प्लस सहनी जीतेगा कुढ़नी, जीतेगा कुढ़नी, हाँ बिल्कुल तय है, तय है, हाँ बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे सवर्ण सेना के राष्ट्र प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी, ने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि इस बार भूमिहार समीकरण जो मुकेश सहनी के साथ आ गया कुढ़नी में जितना नीलम कुमार का तय है, और जिस तरीके से भाजपा लगातार भूमियारों पर कहती रही कि हमारे साथ रही है, और इस बार देखिए जिस तरीके से बोचहा उपचुनाव में आपने देखा भूमियार समीकरण राजद के साथ था और फिर भूमियार जो तमाम लोग हैं वो कहते रहे हैं कि हम राजद के साथ हैं, अब ऐसे में देखना होगा तेजस्वी यादव को कितना झटका लगता है नीलम कुमार से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें इजाज़त, फिर मिलती बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।